₹100 का फाउंडेशन इतना ज्यादा धमाकेदार हो सकता है, उसकी कवरेज इतनी अच्छी हो सकती है, वो सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो सकता है, ऐसा बिलीव करोगे अगर मैं कहूँगी तो? नहीं करोगे ना, बट कर लो यार, क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है ना जो कि आई थिंक ये मेरे लाइफ का सेकेंड फाउंडेशन है। दिस इज ओलिविया का लिक्विड सैटिन फिनिश फाउंडेशन। यस, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया, ये एक सैटिन फिनिश फाउंडेशन है। जब मैं YouTube में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है, आई हैव टू बाई फ्यू अदर फाउंडेशन फॉर द रिव्यू एंड ऑल, बट इतना डिले हो गया ये फाउंडेशन का रिव्यू कि मुझे पता ही नहीं चला। बट बहुत सारे लुक्स क्रिएट किए हैं मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ करके, बाय द वे। तो ये जो फाउंडेशन है ये ओलिविया का लिक्विड सैटिन फाउंडेशन है, और इसकी प्राइस जैसे मैंने आपको बता दिया ₹100 का है यार, ₹100 का। और इसकी कवरेज आपको पता है, इसकी कवरेज ना मीडियम कवरेज है, एकदम परफेक्ट मीडियम कवरेज है, ना कि शेयर बोलूँगी ना कि हाई बोलूँगी, लेकिन ये ऐसा फाउंडेशन है जिसको आप बिल्ड करके फुल कवरेज फाउंडेशन भी बना सकते हो। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसे मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, सारे स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, सुपर ऑयली हो या सुपर ड्राई हो, सारे के सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में ही आपको सब कुछ बताती हूँ। तो ये है ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन जिसका फिनिश है सैटिन, और ये इतना कंफर्टेबल है कि आपके फेस पे ये मेकअप बेस की तरह रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें मेरा शेड है 02 नेचुरल ग्लो, और इसमें कितने शेड्स आते हैं ये मुझे नहीं पता। ये मैंने कब सन लैशेस से लिया था, बहुत पहले जब मैंने हॉल शेयर किया था उसमें मैंने दिखाया था। ये शेड का जैसे नाम है नेचुरल ग्लो, तो ये आपके फेस पे, ये जो शेड है, अगर आप मेरे स्किन टाइप के हो या मुझसे एक शेड लाइटर या एक मुझसे शेड डार्कर, तो आप एक शेड लाइटर या एक शेड डार्कर, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और इसका नाम जैसे नेचुरल ग्लो है ना, तो ये आपके स्किन पे नेचुरल इफेक्ट तो देगा ही, साथ के साथ ये ग्लो ऐड करता है, लिटरली आपको दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत लाइट है और आपका स्किन पे ज़्यादा डार्क फाउंडेशन की ज़रूरत है, नहीं, ये ऑक्सीडाइज तो नहीं करता, लेकिन ये ब्लेंड होने के बाद ना स्किन में मैच हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। जब मैंने इसे परचेज किया था, स्वॉच किया था, मैंने कहा था गया पैसा डूब गया, लेकिन जब मैंने इसे अप्लाई किया मेरे फेस पे और मैंने देखा ये मेरे फेस के स्किन कलर पे पूरा एकदम मैच हो गया, और बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहा था, सैटिन काइंड ऑफ, और नेचुरल भी लग रहा था। तो ये सिंगल लेयर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका डबल लेयर अप्लाई करूँ तो इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ये बहुत ही कंफर्टेबल वाला फाउंडेशन है, और इस लुक को मैंने क्रिएट किया है यूजिंग दिस फाउंडेशन। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं जरूर डाल दूंगी, आप भी इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ ₹100 का है, लोकल स्टोर में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां आप अपना शेड भी स्वॉच करके ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, कॉमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होना तो पूछ ही लेना, मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी क्लिक करिएगा, मेरे सोना फैम को ज्वाइन करिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए और मेरे छोटे से यूट्यूब फैम का हिस्सा बनिए। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।